जस्ट अभी भी मैं आई हूँ सरोजिनी नगर से व्लॉग शूट करके। जैसे कि आप जानते हैं मैं मार्केट को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे मैं धूप में ही थी। एंड अब दिल्ली में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है एंड सन टैन तो बहुत ही गंदे वाला हो गया था मुझे। घर आने के बाद तो फटाफट मैंने अपना हुलिया देखा, तो मैंने कहा चलो क्यों ना रेमेडी किया जाए सन टैन को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका जो भी आपने मेकअप किया हो, सनस्क्रीन अप्लाई किया हो, लिपस्टिक, लाइनर, कुछ भी हो, तो फर्स्टली जो है मेकअप क्लींजर से या फिर जो इस तरीके के वाइप से आप अपना मेकअप क्लीन कर लीजिए। जो ये मैट वाली लिपस्टिक होती है बहुत टाइम लगाती है रिमूव होने में, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो भी मैंने सनस्क्रीन, लिपस्टिक एंड जो भी मैंने आईब्रो सेट किया था वो सब मैंने निकाल दिया, रिमूव कर लिया। दैन उसके बाद जो भी आपका फेस वॉश है उससे आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन कीजिए। एंड ये जो डायरेक्ट फेस वॉश है अपने फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, पहले उसे थोड़ा सा गीला कीजिए, देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सूखे फेस पर डायरेक्टली अगर आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो वो स्किन के लिए सही नहीं है। तो इतनी फास्ट फॉरवर्ड में मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मैं आराम से ही करती हूँ। आपको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो प्रॉपरली अच्छे से थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट, उसके बाद प्रॉपरली क्लीन कीजिए। देन क्लीन करने के बाद ही जो भी रेमेडी एंड फेस पैक आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। एंड हम जानते ही हैं कि कॉफ़ी आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये सन टैन को तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन भी करता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक का यूज़ किया है हल्दी। एंड हम जानते ही हैं कि हल्दी सदियों से यूज़ किया जा रहा है आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, ओवरऑल आपके ये हेल्थ में भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये मेरी घर की हल्दी है, हमने इसे घर पे उगाया है। आप चाहे तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, आपको इस तरीके की हल्दी 10 रुपये में काफ़ी सारी मिल जाएगी। उसे ला के अच्छे से साफ़ करके, बॉईल करके, सुखा के एंड मिक्सी में ग्राइंड करके छान के सरी से पाउडर भी बना सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप कस्तूरी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी। बट किचन की हल्दी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कस्तूरी हल्दी ही आप यूज़ कीजिएगा। एंड फाइनली रो मिल्क कच्चे दूध से मैंने इसे मिक्स किया है, क्योंकि कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, एक्ने को ट्रीट करता है एंड आपकी स्किन को इवन टोन भी करता है। ये फेस पैक बनके आपका रेडी है, आप चाहे तो पूरी बॉडी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी अपने फेस पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। एंड अच्छे तरीके से आपको जो है पूरे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग है। फर्स्ट टाइम ही अगर आप ये फेस पैक यूज़ करेंगे आपको इंस्टेंटली ग्लो दिखेगा आपके फेस में। तो हाँ, नेक को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं कि रेमेडी हम सिर्फ फेस पे ही यूज़ करते हैं, अपने नेक पे यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको नेक पे भी यूज़ करना है, तो प्रॉपरली लग गया है। एंड 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस पे इसी तरीके से लगा रहने देना है। देन उसके बाद आप देखेंगे आपका फेस ड्राई हो चुका है, स्किन आपको थोड़ी सी खिंची खिंची लगेगी। तो आपको डायरेक्टली जो है अपने फेस को इस तरीके से रब करके बिल्कुल भी नहीं धोना है, अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कीजिए। गीला करने के बाद इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से फेस को क्लीन कीजिए, हल्के हाथों से स्क्रब करके कीजिए। एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे आप अपने पूरे फेस को वॉश कर सकते हैं। एंड ये रेमेडी तो मेरी फेवरेट रेमेडी है, जब भी मुझे सन टैन होता है मैं फटाफट आगे से कर लेती हूँ, क्योंकि ये इजी भी इतना है एंड इतनी जल्दी हो भी जाता है, लग भी जाता है। एंड उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं प्लांट वाला, बट उसका जो येलो स्ट्राइक है वो पहले निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद जो है आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद सीधी मैजिक, एंड लास्टली आपको ये कहना चाहूँगी कि ये रेमेडी तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, एंड यूज़ करने से पहले पेस्टाइज भी कर लीजिएगा। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर आप ट्राई करते हैं आपको इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ये टोटली फ्री है, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।